दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। तो आपने हमें इसके लिए कमेंट किए थे, तो आज हम आपको ये बनाकर दिखाएंगे ये कैसे बनाते हैं। तो पहले हम इसे बनाकर दिखाएंगे ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इसे जोड़ना दिखाएंगे कि हम कैसे जोड़े हैं इसे। तो पहले हम ये बनाकर दिखाएंगे ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए दोस्तों, यह धागा अब हम इसमें पहले चैन खींचेंगे इस तरह से। देखिए 8-10 जितना चैन चाहे आप ले सकते हैं। हम इसे इस तरह से बांध लेंगे गोल करके इस तरह से। देखिए चार फंदे हम खींचेंगे इसे। देखिए इस तरह से चार फंदे खींचे हैं। अब हम इसे इस तरह से बांध देंगे। अब फिर हम दो चैन लेंगे। अब हम फिर यहाँ से फंदे लेंगे। यहाँ भी हम चार फंदे खींचेंगे यहाँ से। फिर से देखिए इस तरह से हम इसे बांध लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से बांध लेंगे। देखिए इसमें भी हमने चार फंदे लिए हैं। देखिए इस तरह से हम बांध रहे हैं। देखिए इस तरह से बांध लिए इस तरह से। देखिए फिर एक दो चैन लेंगे, फिर हम यहाँ से फंदे खींचेंगे। देखिए ये हमने पूरे कर लिए हैं, ये पूरे 8 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए हमने पूरे 8 बुने हैं इसमें। अब फिर इसमें हम इस तरह से चैन खींचेंगे, फिर हम इसमें यहाँ से शुरू करेंगे बुनना। इस तरह से बुनेंगे। इस बार हम देखिए इस तरह से बुने हैं हमने। देखिए हमने इस तरह से बुने हैं। फिर यहाँ से फिर इस तरह से बुनेंगे। इसमें भी हम चार फंदे खींचेंगे पर इसमें हम बांधेंगे नहीं। इस तरह से ही देखिए ये देखिए देखिए यहाँ से हमने धागे कट कर लिए। देखिए हमने किस तरह से इसे बुने हैं। तो देखिए वो भी 8 बुने हैं अंदर का, और ये भी 8 है। 5, 6, 7, 8। देखिए हम इसे आपको
जोड़ कर दिखाएंगे इसे कैसे जोड़ते हैं। देखिए उसमें हमने इसमें हमने हरे धागे से जोड़े हैं इसे उनका, और इसमें हम सादे कलर के धागे से हम इसे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमने दो चैन लेंगे या तीन चैन भी आप ले सकते हैं जगह के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हमने अपने हिसाब से चैन लेंगे 10 या 12 इतना। इस तरह से मैं यहाँ पे बड़ा चैन खींचे हैं। आप इसे रिपीट करके 2 या 3 बार देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर 2 फंदे हमने बुने और फिर हम यहाँ पे भी बड़ा चैन खींचेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो 3 फंदे 4 फंदे ले सकते हैं। यहाँ पे 4 फंदे लिए हैं और 2 चैन और फिर इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हम यहाँ पे से जोड़े हैं और फिर इसे देखिए इस तरह से थोड़ा धीरे। देखिए अब हम बड़े फंदे में इसे बुनेंगे। यहाँ पर भी हमने बड़ा चैन लेंगे 5 या 6 यहाँ पे लेंगे। देखिए इस तरह से बुना है।
हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे इस तरह से बुने हैं। ये हमने छोटा बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि ये कैसे हमने बनाया है। देखिए हमने इस तरह से ये चैन आप अपने अनुसार ले सकते हैं, चाहे तो 10, 12, 6, 8 जितना चाहे उतना आप चैन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम 5 या 6 चैन लेंगे। आप 6 लें तो सभी बड़े फंदे में 6 ही लें, एक बराबर, और छोटे फंदे में अगर आप 2 चैन ले रहे हैं तो हर छोटे फंदे में 2 ही चैन लें, ताकि एक बराबर बैठेगा। देखिए छोटे फंदे हैं तो इसमें हमने 2 या 3 चैन लिए हैं, तो आप अपने अनुसार से अगर 1 में 2 लिए हैं तो हर एक छोटे फंदे में आप 2 ही चैन लें, और बड़े फंदे में अगर एक फंदे में आपने 10 चैन लिए हैं एक तरफ में तो दूसरे साइड से आप 5 लें उसके आधा। ये हमने ये एक लाइन पूरे जोड़ लिए, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें दूसरी लाइन भी से इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए तो हम दूसरी लाइन जोड़ने के बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हमने 2 चैन लिए हैं तो हर एक छोटे में हम यहाँ पे 2 ही चैन लेंगे, और यहाँ पे हमने 10 लें या 12 लें, 10 लेंगे तो इधर से जब हम दूसरी लाइनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे इसके आधा 5 लेंगे। अगर हम 12 ले रहे हैं इसमें तो दूसरी लाइनिंग में हम इसका 6 लेंगे। अगर हम 16 ले रहे हैं यहाँ पे तो दूसरी लाइन में बिल्कुल हम इसके आधे ही लेंगे। और हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे धागे काट लिए हैं, हम फिर यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से जोड़ें या फिर यहाँ से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं से भी आप जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरी लाइनिंग बताते हैं कि किस तरह से हम जोड़ेंगे इसे। देखिए अब हम इसमें भी इस तरह से बुनेंगे।
देखिए अब हम इसे यहाँ पे बांध लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लंबा चैन लेंगे, देखिए हम इसको यहाँ पे से इस तरह से फिर बांध लेंगे। अब हम यहाँ पे लंबा चैन लेंगे, देखिए हमने लंबा चैन लिए हैं, अब यहाँ पे इस तरह से बांध लेंगे, फिर यहाँ पे बड़ा चैन लेंगे, देखिए यहाँ पे फिर अब हम इसे देखिए अब हम इसमें बांधेंगे। फिर यहाँ पे इसे बांधेंगे इस तरह से, देखिए देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बन जाता है, यहाँ पे आठ बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आठ
बनते हैं, ये भी एक डिजाइन बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हम बुनते जाते हैं और दूसरी लाइनिंग में हम फिर से बुनते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने इतना बनाकर आपको दिखाया है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा।